अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर आप आए हैं फलों के नाम जानने के लिए कि उर्दू में हम फल के नाम कैसे लिखेंगे। तो चलिए मैं आपकी इसमें मदद करती हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो पहला हमारा वर्ड है, फल है मैंगो। मैंगो मुझे बहुत प्यारा अच्छा लगता है खाने में। आपको कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा, इसलिए मैंने पहले नंबर पर मैंगो रखा है। तो मैंगो को हम हिंदी में कहते हैं आम, और उर्दू में भी हम आम कहते हैं। तो चलिए सीखते हैं हम आम कैसे लिखेंगे। तो आम के पहले हम हर्फ लेंगे, कौन कौन से हर्फ इसमें लगेंगे उसको हम जानेंगे। तो आम में लगता है सबसे पहला जो हर्फ होता है वो होता है अलिफ मद आ। जैसे ये आ है ना, आ जमा मीम आम। अब हो गया ये, अब इसको मिला के लिख देंगे आम। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है केला। केला सबसे ज़्यादा खाया जाता है और केला सबको पसंद होता है। आपको पसंद है? तो चलिए हम केला का हर्फ जानते हैं, काफ क ये के लाम केल अलिफ केला। अब हो गया ये केला, अब ये आप खा सकते हैं। काफ ये लाम अलिफ मिला के हम इस तरीके से लिखते हैं केला। तीसरा फल है हमारा गुआवा यानी अमरूद। अमरूद खाना चाहिए, बहुत ही वो फायदेमंद होता है। तो अमरूद के लिए आ, आ के लिए लिखेंगे हम अलिफ जमा मीम अम रे अम्र वाव अमरू, ये है वाव। अब द के लिए होता है दाल, द अमरूद। अब हम इसको मिला के लिखेंगे अलिफ मीम आधा, इसमें हम रे मिला देंगे, वाओ और दाल अमरूद। चौथा फल हमारा कौन सा है? पोमग्रेनेट अनार। अब हम अनार अनार जरूर खाइए, इससे खून बनता है। अलिफ पेंसिल से थोड़ा ये लाइट लग रहा था इसलिए अब मैं पेन से लिखूंगी, अलिफ आ नून अन अलिफ अना रे र अनार अलिफ नून आधा अलिफ पूरा अना और रे पूरा लिखेंगे क्योंकि रे आखिरी लफ्ज़ है, आखिरी हर्फ है अनार। अब उसके बाद है हमारा कौन सा फल है? चीकू। चीकू को हम इंग्लिश में कहते हैं सपोडिला। तो चीकू के लिए चे चे आवाज़ आती है, चे से आवाज़ आती है च की, च ये ची काफ चीक वाव। अब पूरा हो गया चीकू, आधा च आधा य आधा काफ और पूरा वाव चीकू। अब छठा फल है हमारा पपाया पपीता। तो पपीता पपीता पेट के लिए बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए, इसको ज़रूर खाइए। तो पे प फिर से हम लिखेंगे पे पप ये पपी ते पपीत अलिफ ता पपी ता। अब हम मिला के लिखेंगे आधा पे आधा पे आधा ये
आधा ते और ये हो गया पूरा अलिफ, तो हो गया पपीता। ठीक है, सातवां फल है हमारा ऑरेंज। ऑरेंज तो सबको पसंद होता है, उसका जूस आप ज़रूर पीजिए। संतरा, तो संतरा के लिए हम लिखेंगे स के लिए सीन, नून सन, ते संत, रे संत्र, अलिफ रा संत रा संतरा, सीन आधा, अब नून आधा, ते आधा, रे पूरा और ये अलिफ, तो हो गया संतरा। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट फल कौन सा है, वाटरमेलन, तरबूजा। तरबूजा गर्मियों में बहुत फ़ायदा देता है, आपकी प्यास बुझाता है, ये पानी की कमी नहीं होने देता। तो तरबूजा के लिए ते त रे तर बे तर्ब, बू के लिए वाओ तरबू, जे तरबूज और आएगा हे तरबूजा। अब मिला के लिखेंगे हम, ते आधा रे पूरा तर बे वाओ बू जे और ये हो गया ह तरबूजा। नेक्स्ट फल है हमारा पाइनएप्पल, अनानास। ये बहुत ही यमी लगता है, खट्टा मीठा होता है, सबने खाया होगा इसे, तो इसको लिखना भी सीखिए। अनानास, अलिफ नून अन, एक और नून हम यहाँ पे लिखेंगे अन, अलिफ सीन, अब इसको हम मिला के लिखेंगे अनन्नास, अलिफ नून नून अलिफ सीन, नुक्ता लगा देंगे नून का, हो गया ये अनन्नास। दसवां फल है हमारा ग्रेप्स, अंगूर। अंगूर हर बच्चे को पसंद होता है खाना, तो अंगूर के लिए अलिफ नून अन गाफ अंग वाओ अंगू रे अंगूर, अलिफ पूरा नून आधा गाफ आधा वाओ रे अंगूर अंगूर। ग्यारहवा है हमारा, मैंने ये एक्स्ट्रा लिख दिया है कि अगर इसमें से आपको कोई छोड़ना हो तो आप इसको मिला लीजिएगा। एप्पल, एप्पल यानी सेब, सेब से बहुत फायदे है, इसको रोज खाइए आप। सीन स ये से बे, मिला के हो जाएगा सेब, सीन आधा ये और फिर ये सेब। तो यहाँ पे हमारे फलों के नाम, फ्रूट्स के नाम हो गए कंप्लीट। ठीक है, आम केला अमरूद अनार चीकू पपीता संतरा तरबूजा अनन्नास अंगूर सेब। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए और अपनी टीचर को भी दिखा दीजिएगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।